कुछ अशुभ हो रहा है, कुछ अशुभ हो रहा है यमी, मुझे अनुभव हो रहा है। शनि, शनि संकट में, कहीं नीलिमा शनि को कोई हानि ना पहुंचा दे। माता चिंता ना करिए, माता मैं अभी युद्ध क्षेत्र जाता हूँ। महादेव मेरे पुत्र की रक्षा करना। कुछ कीजिए महादेव। नहीं नारायण, ये शनि का अपना युद्ध है, उसे स्वयं लड़ना होगा। शनि की शक्ति क्षीण हो रही है महादेव, नीलिमा का प्रहार उसे दुर्बल बना रहा है। यदि वो शनि की चेतना को अपने वश में कर लेगी तो आप समझ सकते हैं कि परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। भयंकर से ही अभयंकर बनता है नारायण। यदि मैंने आज शनि की सहायता की तो कल नीलिमा जैसी किसी और शक्ति से उसकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। शनि को यह सीखना होगा कि देवता हो या मानव, अपना अपना युद्ध सबको स्वयं लड़ना पड़ता है। तुमने उन ब्रह्मदेव पर अपनी वक्र दृष्टि डाली जो सृष्टि के सृजक हैं, जिनकी ऊर्जा से तुम्हारा जन्म हुआ। उन्हें आघात दिया जिन्होंने तुम्हें कर्म फल दाता और दंड नायक बनाया। क्या ये उनका कर्म फल था शनि? वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो शनि, और तुम्हारी ही घोषणा के अनुसार अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भोगना होगा। नीलिमा के शब्दों का प्रभाव इतना किसी की चेतना पर पड़ रहा है, उसका संकेत व्यक्ति के शरीर पर साफ दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। उस व्यक्ति के शरीर पर एक नीले रंग की आपशा आती जाती है, और जब ये रंग मुख तक चला जाता है तो समझ लेना चाहिए कि नीलिमा उस व्यक्ति पर पूरा प्रभाव डाल चुकी है। समय आ गया है सबको अपने कर्मों के फल देने वाला स्वयं अपने कर्मों का फल भुगते। अपना दंड उठाओ मित्र, अपने विवेक को जगाओ। तुम्हारे दंड की शक्ति के समक्ष नीलिमा की भ्रम की शक्ति नहीं ठहर सकती। उठाओ दंड। अपना दंड उठाओ।
कर सकती हूँ सूर्यदेव, परंतु करूंगी नहीं, क्योंकि सृष्टि को आपकी आवश्यकता है। आपके लिए इतना ही दंड उचित होगा कि पूरा संसार कहेगा कि सूर्यदेव एक 12 वर्ष की कन्या से हार गए। ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं जीत सकती। तुमने क्या किया है शनि के साथ? कहाँ है शनि? कहाँ भेज दिया है तुमने उसे? शनि वहां है जहां से उसका लौट कर आना संभव नहीं। उसका लौट कर आना संभव नहीं। यदि शनि नहीं लौटा तो सारे सृष्टि में भयंकर परिवर्तन होंगे। संख्या इंद्र और राहु नीलिमा के बल पर मनमानी करेंगे, हाहाकार मचा देंगे, तीनों लोग अपने वश में कर लेंगे। मुझे बंदी बनाकर तुमने उचित नहीं किया राहो। अरे हाँ, करने से स्मरण हुआ, एक विशिष्ट कार्य पूर्ण करना है मुझे। असुर हो मूर्ख नहीं, क्या ये भी सिखाना होगा कि अपने नए राजा का स्वागत कैसे करते हैं? संख्या प्रतिशोध चाहती है तो शनि के पश्चात उसका अगला लक्ष्य होगा सूर्यलोक। परमपिता ब्रह्मा, सृष्टि के पालक विष्णु, तनहारक महादेव का मैं आह्वान करता हूं, मुझे मार्गदर्शन दे प्रभु। महादेव, क्या अब भी आप शनि की सहायता नहीं करेंगे? हे नारायण, कभी कभी सहायता न करना ही सबसे बड़ी सहायता होती है। शनि को अपनी सहायता स्वयं करनी होगी ताकि वो भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए सज्ज हो सके। इसलिए मैं इस संपूर्ण घटनाक्रम में एक दर्शक की भांति मौन रहूंगा और आप भी। ओ
मुड़ गया है महादेव, मुड़ गया है। मैं छाया को क्या उत्तर दूंगा? कैसे अपना मुख उसे दिखा पाऊंगा? कैसे? कैसे? अब तक तो युद्ध समाप्त हो चुका होगा, अब तक तो शनि को लौट आना चाहिए था। कहीं कुछ अशुभ तो नहीं हुआ उसके साथ? नहीं नहीं, आपके रहते कुछ अशुभ नहीं हो सकता। जब तक आप शनि के साथ हैं, सुरक्षित है। आप उसकी रक्षा करेंगे महादेव, करेंगे ना? शनि, शनि कहाँ है? आप सबकी दृष्टि क्यों झुकी हुई? बोलते क्यों नहीं शनि कहाँ है? आप सब मौन क्यों हैं? कहाँ है मेरा पुत्र? शनि, शनि कहाँ हो पुत्र? देख, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे साथ उपवास मत कीजिए। मुझे बताइए, बताइए कहाँ है शनि, कहाँ है मेरा पुत्र? यम, यम तुम बताओ कहाँ है शनि, कहाँ है? पिताश्री आप ही बताइए कहाँ है शनि, कहाँ है मेरा पुत्र? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? शनि मुझसे कहकर गया था कि कोई अशुभ नहीं होगा, कि वो लौट कर आएगा। मुझे बताइए, बताइए कहाँ है शनि? शनि,
शनि। कुछ ही समय हुआ तुम्हें बंदी बने और छटपटाने लगे। सोचो कैसे बिताए होंगे मैंने 12 वर्ष बंदी बनकर। मैं बता नहीं सकती कि तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे कितना संतोष मिल रहा है। हर रात्रि तुम्हारी आंखें ये सोचकर बंद होंगी कि कदाचित कल प्रातः स्वतंत्रता का सूर्य देखो, परंतु जब प्रातः काल तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो स्वयं को फिर बंदी पाओगे, विवश पाओगे, क्रोध आएगा, स्वयं का अस्तित्व छोटा लगने लगेगा, दुर्बल अनुभव करोगे। तुम्हारे बंधन की पीड़ा निश्चित रूप से दुर्भाग्यशाली रही नीलिमा, परंतु उससे अधिक दुर्भाग्यशाली बात यह है कि अब तुम स्वतंत्र होकर भी अपने मन से वो बंधन नहीं छुड़ा पा रही हो। बंधन तन का नहीं मन का होता है नीलिमा, और तन का बंधन तोड़ने से पूर्व मन को बंदी गृह से मुक्त करना आवश्यक होता है। तुम्हारे इन उपदेशों का मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम मेरे विवेक के साथ नहीं खेल सकते। जिसे पहले से ही कोई कठपुतली बनाकर खेल रहा है उससे मैं कैसे खेल सकता हूँ नीलिमा? तुम्हारे विवेक को देवी संज्ञा ने अपने वश में कर रखा है नीलिमा। नानाश्री के बंदी ग्रह से निकलकर तुम देवी संज्ञा के चक्रव्यूह में फंस गई हो। बाहर निकलो इस ब्रह्मजाल से। बस। यदि मैं चाहूँ तो इसी समय तुम्हारे प्राण ले सकती हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें कष्ट पाते देखना चाहती हूँ। तुम इतनी पीड़ा अनुभव करोगे कि मेरे पुनः आने पर तुम स्वयं मुझसे अपनी मृत्यु की भिक्षा मांगोगे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.